मलाई कोफ्ता एक ऐसी डिश जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। रिच, क्रीमी और फ्लेवरफुल मलाई कोफ्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मलाई कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मलाई कोफ्ता हम दो स्टेप में रेडी करेंगे। पहला पनीर और आलू के कोफ्ते और फिर टमाटर, प्याज और मसालों की ग्रेवी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बनती कैसे है? तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे चॉप्ड कर लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, साथ में काजू लिए हैं 10 से 12, जीरा पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून, काले मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और अब कुछ खड़े गरम मसाले चाहिए होंगे। 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टेबल स्पून स्याह जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा। टमाटर मैंने 250 ग्राम लिया है और उससे हाफ क्वांटिटी में आपको प्याज लेना है। तो प्याज मैंने 100-150 ग्राम के लगभग लिया होगा। और ये जो है हरा धनिया का स्टेम है, ये इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी मसालों में। मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल ली है। कोई से भी कुकिंग ऑयल आप डाल लीजिए और उसमें सारे खड़े गरम मसाले को डाल लेना है। और 1 मिनट के बाद अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज भी हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करना है, बस प्याज सॉफ्ट हो, उसका कलर चेंज ना हो। और अब इसमें हम सारे मसालों को एक एक कर डाल लेंगे। फ्रेंड्स, मलाई कोफ्ता 2 कलर की ग्रेवी के साथ बनता है। एक तो वाइट कलर बनता है जो कि प्याज और काजू के ग्रेवी से बनता है, और दूसरा ऑरेंज कलर की ग्रेवी जो प्याज, टमाटर और मसालों के साथ बनता है। तो मैं इसे ऑरेंज कलर की ग्रेवी के साथ बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने सारे मसाले और प्याज, टमाटर सब कुछ डाल दिए हैं। और अब इसमें मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। और अब लास्ट में इसमें काजू ऐड किया है मैंने। फ्रेंड्स, आप ख्याल रखिए जब भी आप मसाला फ्राई कर रहे हो तो ये काला ना हो, बस हल्का सॉफ्ट होना है। अब इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाला है और अब इसे ढककर मैं 5 से 7 मिनट तक कुक होने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी से एक बार चेक कर लेना है। आप देख रहे होंगे कि टमाटर बिल्कुल मैशी हो गया है, ये सॉफ्ट हो चुका है। और अब इसे इस टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब इसमें से दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची जो डाली थी वो निकाल लेना है। और अब इन मसाले को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है मिक्सर जार में और एक बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए कितना ही स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार है। जिस कढ़ाई में मैंने मसाला तैयार किया था उसी कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 2 टेबल स्पून बटर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ बटर से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं। और अब इसमें मैंने मसाले को छान लेना है। एक स्ट्रेनर की मदद से मैंने मसाले को इस तरह से छान लिया है। आप टेक्सचर देख रहे होंगे मसालों का, कितना ही क्रीमी टेक्सचर आया है। और जो स्ट्रेनर में बचा है उस पार्ट को हम निकाल कर हटा देंगे। और इस ग्रेवी को बस 3 से 4 मिनट तक के लिए हमें कुक करना है। इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक होने देते हैं। अब कोफ्ता बनाना है। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है और 2 बॉयल्ड आलू लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसे स्टफिंग में यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता, काजू और बादाम लिया है। आप चाहे तो कोई एक भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर, साथ में बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्च लेना है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेना है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट से हमें कोफ्ता तैयार करना है। कोफ्ता तैयार करने के लिए हमें पहले आलू को ग्रेट कर लेना है, फिर पनीर को भी ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं। और इससे जो है ग्रेट कर लेने से कोफ्ता हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनेगा। ग्रेटेड पनीर और आलू के इस मिक्सचर में अब हम सारे मसालों को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी मलाई कोफ्ता बना रहे हो तो इस मिक्सचर में आप चॉप जिंजर डालना मत भूलें। चॉप जिंजर डालने से जो कोफ्ते का फ्लेवर है वो और इन्हेंस होता है। अब इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर आलू और पनीर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अब इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इस मिक्सचर और स्टफिंग की मदद से हम कोफ्ते की बॉल तैयार कर लेंगे।
इस डो से हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, हथेलियों पे तेल लगा लेना है और इसे हथेलियों से रोल करना है। ये देखिए बॉल तैयार है और अब इसके बीच में हम थोड़ा सा स्पेस डालेंगे और इस स्पेस में हमें थोड़ी सी स्टफिंग लेकर इस तरह से डाल लेनी है। ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग डाल लेने के बाद इसे हम फिर से रोल कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है बॉल का। और अब इसे हम फिर से कॉर्नफ्लोर पे इस तरह से लगाकर और फिर रख देंगे एक साइड। फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस से हम अपने सारे कोफ्ते के बॉल तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना गोल गोल शेप तैयार हुआ है कोफ्ते का। एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे और अब इसमें मैं पहले एक कोफ्ता डालकर चेक करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कोफ्ता रखा था उसे फ्लिप कर लिया है, ये बिल्कुल भी नहीं फटा। तो अब मैं इसी तेल में सारे कोफ्ते को डालूंगी एक एक करके। फ्रेंड्स, जब भी आपको कोफ्ता फ्राई करना हो तो तेल बिल्कुल तेज गर्म हो, तभी आप फ्राई अच्छे से कर पाएंगे। और जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम टू हाई होनी चाहिए। और इसे अब हल्के हाथों से एक एक कर हम फ्लिप कर लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कोफ्ता हमारा फ्राई हो चुका है और अब इस पॉइंट पे हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करनी है और कोफ्ते को अलग से निकाल लेना है। फ्रेंड्स, अब हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रेवी के ऊपर तेल आ चुका है, इसका मतलब कि अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। मलाई कोफ्ते की ग्रेवी हल्की मीठी होती है, तो मिठास लाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून शुगर डाला है। आप चाहें तो हनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम डाला है। मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाला है। और अब इसे मिक्स कर लेंगे और बस 1 से 2 मिनट तक और एक उबाल आने तक इसे कुक होने देंगे। बस ये देखिए ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है, हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, नहीं तो पतली है और नहीं गाढ़ी है, और कितना ही क्रीमी इस ग्रेवी का टेक्स्चर है। और अब इसमें हम हरा धनिया के साथ इसको गार्निश कर लेंगे और चलिए अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये क्रीमी डिश रेडी है। आप इस मलाई कोफ्ता को ज़रूर ट्राई करें नान, रोटी, लच्छा पराठा के साथ। फ्रेंड्स, हमारे इस रेसिपी को आप स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिए और बहुत ही डिलीशियस और क्रीमी सा मलाई कोफ्ता घर में बनाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।